दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के पत्र से एम्स निर्माण की संभावना बढ़ गई। शोभन बाईपास पर एम्स बनाने के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है, जिसमें बिहार सरकार के लिए कुछ शर्तें लागू है। पहली शर्त है कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार कोई नई जमीन दे या फिर शोभन बाईपास वाली जमीन पर मिट्टी भराई, चार दीवारी हाई एक्सटेंशन तार हटाने, सड़क चौड़ीकरण और बिजली की व्यवस्था करें। अगर ये तमाम शर्तें बिहार सरकार पूरी करती है तो केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बिहार सरकार केंद्र की शर्तों को पूरा करने को तैयार है। राज्य सरकार जल्द ही जवाबी पत्र भी भेजेगी। तो आपको बता दें कि शोभन बाईपास में एम्स निर्माण को लेकर ये पत्र है, यानी कि अब रास्ता जो है वो जल्द साफ हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी पत्र में कई शर्तें हैं, तो नई जमीन उपलब्ध कराएं या शोभन में पूरी व्यवस्था करें। फोर लेन सड़क शोभन से लेके और वहां तक बन जाएगा, कोशिश होगा कि रेजा सड़क तक बन जाए जो आने में दिक्कत नहीं हो, और मिट्टी पूरा भर करके जो उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिट्टी भर के चार दीवाली करके दे दिया जाए। क्या उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिलान्यास? बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिलान्यास होगा, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये सब जनरेशन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को लेकर के बहुत गंभीर है, और खास करके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। दरभंगा में एम्स देना नरेंद्र मोदी जी का एक वायदा है बिहार को, मिथिलांचल को, और हमारी सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है। अब जमीन तो बिहार सरकार को उपलब्ध करानी है, और ऐसी जमीन अगर बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है जहां पे मट्टी भराई की कीमत पूरे एम्स बनाने की कीमत के लगभग बराबर हो, तब तो ये बिहार की जनता का सवाल है ना। और मेरा नीतीश कुमार जी और लालू जी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम अस्पताल जैसी चीजों में राजनीति करना बंद करें। केंद्र की सरकार की नीति में शामिल है कैसे बिहार के विकास को रोका जाए, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, दरभंगा एम्स का मामला हो, या अन्य कोई भी मामला हो, कैसे लटका कर रखा जाए। दरभंगा एम्स बनाने के लिए बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जमीन मुहैया कराई, इन लोगों ने लोलैंड का मुद्दा उठाया, 300 करोड़ रुपए के बजट का अलग से आवंटन हुआ ताकि मिट्टी भराई हो सके, उसके बावजूद भी लगातार इस मामले को सिर्फ पत्राचार में फंसा कर रखना दर्शाता है ये नहीं चाहते हैं कि एम्स बने। हाँ, प्रधानमंत्री जी खोखले दावे जरूर कर देते हैं कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, आज तक इतना समर्थन किया एनडीए को, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इस बार देश की सत्ता बदलेगी, एम्स भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा। दरभंगा एम्स मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, शोभन में जमीन उपलब्ध है जो मानक भारत सरकार मांग रही है वो मानक राज्य सरकार दे रही है। इनके पत्राचार करना जमीन अलग मिल जाएगा, राजनीति राजा ना करें ना। अब तो कह दिया कि चालू हो गया एम्स, जमीन उपलब्ध है, सारी सुविधा वहां राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, अब किस बात का दिक्कत, किस बात का खलटाल मटोल। बिहार की जनता जान नहीं रही है कि दरभंगा एम्स के मामले में आप कितनी उदासीनता रवैया अपना रहे हैं, तो कल जारी कर दीजिए, अगर आपको लगता है तो देखिए और जारी कर दीजिए फट से, सुभन में ही बनेगा। जब से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार से बाहर किया है और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार में विकास के काम को केंद्र सरकार द्वारा जो हो रहा था वो धीमी कर। शोभन का जमीन तो मिला हुआ है आपको, फिर अड़चन क्यों लगा रहे हैं? अड़चन सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए 2024 तक दरभंगा एम्स को केंद्र सरकार लटकाना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता दरभंगा एम्स लेकर रहेगी या हमारी इंडिया गवर्नमेंट की सरकार 2024 में बनेगी, तो उसी शोभन में एम्स बनेगा। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक तरफ एम्स निर्माण को लेकर सियासत हो रही थी, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर क्या ये कहें कि अब एम्स निर्माण का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, क्योंकि शर्तें लागू, इस पत्र ने कहीं ना कहीं एम्स निर्माण के रास्ते को साफ कर दिया है, बता दिया है कि जल्द ही एक बड़ी सौगात फिर से मिल जाएगी।
देखिए जल्द ही बड़ी सौगात फिर से मिल जाएगी। पत्राचार केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब जो है बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि इसका इस पत्र का जवाब जल्द ही केंद्र सरकार को दी जाएगी। तो देखिए अभी एम्स का पूरा मामला समझे, दरभंगा एम्स का तो अभी कागजों में ही एम्स लटका हुआ है। पहले डीएमसीएच के पास जो जमीन था उस पर बनने को हुआ, उसके बाद अशोक पेपर मिल बनने को हुआ, और शोभन बाईपास में, शोभन बाईपास में लगातार यह बताया जा रहा था कि जिस तरह से वहाँ की वास्तविक स्थिति है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर खबर किया हूँ और वहाँ पर गया हूँ, तो वहाँ पर जो स्थिति है काफ़ी गड्ढे हैं और जिसको भरने की बात हो रही है। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कहा है या तो फिर दूसरा जमीन दिया जाए, उसी को भर के दिया जाए। अब बिहार सरकार की तरफ से जवाब आया है कि भर के भी दिया जाएगा और चार दीवारी भी किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दें कि 2024 में एम्स जो है ज़रूर मुद्दा रहेगा, वो राज्य सरकार भी उसे मुद्दा बनाएगी और केंद्र सरकार भी उसे मुद्दा बनाएगी, यानी कि इलेक्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसे मुद्दा बनाएगा, क्योंकि चुनाव जिस तरह से सर पे है उसको देखा जाए तो इतनी जल्दी उसकी भराई भी नहीं की जा सकती है, चारदीवारी भी नहीं की जा सकती है, हाई टेंशन तार भी हटाए नहीं जा सकते और निर्माण भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। अब देखना यह है कि आगे बिहार सरकार की तरफ से जो पत्राचार किया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है। लेकिन अभी जो है मामला पत्रों पर सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसे चुनावी मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो लगातार हम देख रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर पलटवार करती है, नुकसान खामियां से यहां पर जनता उठाती है। क्या ये कहे कि ये जनता से जुड़ा हुआ एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक रोटियां अगर सेकी जाएगी तो इसका सीधा प्रभाव चुनावों में होगा? यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार में यहां पर जो जुबानी जंग है वो देखने को मिलती है एम्स निर्माण को लेकर। देखिए यही वजह है कि राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, दोनों तरफ से जो जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं उस पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। खासतौर पर दरभंगा एम्स की बात की जाए तो दरभंगा एम्स में मिथिलांचल, सीमांचल और पड़ोसी देश नेपाल जो है उसके लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन जब दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया गया था उसी समय जो है देश में कई और एम्स के शिलान्यास किए गए थे, लेकिन वो सब एम्स बन के तैयार हो गए हैं, लगभग तैयारी पूरी हो गई है उन लोगों की, लेकिन अभी दरभंगा में एक तरह से कहा जाए न्यू भी नहीं रखा गया है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से सक्रियता केंद्र सरकार दिखा रही है, राज्य सरकार दिखा रही है, कितने दिनों में जो है उसकी पहली ईंट जो है वो लगाया जा रहा है और देखना ये होगा कि कब उसका जो है शिलान्यास हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से पत्राचार हो रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि ये चुनावी फंडा है और जिसे जनता भी समझ रही है। जी शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जी बिहार झारखंड की मुहिम नल में जल का रियलिटी चेक का असर अब होने